निकालो प्लीज निकालो। आ चुकी है, वेलकम। सो गाइस नाउ इट्स रेडी। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग मेरे दोस्तों? तो हमेशा की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, मेरे बताए हुए समय पे कि मैं 8 से 8:30 बजे के बीच में रात में वीडियो अपलोड कर दूंगी उसको समय से देखने के लिए। सो गाइस आज का जो हमारा पहला कमेंट है वो है प्रकृति शुक्ला की तरफ से, जो हमने फरुखाबाद का ब्लॉग बनाया था उस पर उन्होंने लिखा है आई रियली एंजॉयड। सो थैंक यू वेरी मच प्रकृति शुक्ला। और ऐसे ही आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते रहे। दोस्तों जो फरुखाबाद वाला ब्लॉग बनाया था ये कमेंट उस पर आया है। सो गाइस सीन ऐसा है कि जो फरुखाबाद है वो मेरा बर्थ प्लेस है, तो वहाँ मैंने अपने पूरा मतलब जो शादी से पहले की लाइफ स्पेंड की है। सो गाइस मैं वहाँ की हर चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है, वहाँ पे मैंने लाइफ स्पेंड की है। तो दोस्तों इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ये जगह है, ये यहाँ की जो चीज़ है वो आपके साथ शेयर करूँ। बट दोस्तों प्लीज़ मेरे आप सारे वीडियोज़ को उस एक स्पेशल ब्लॉग के नज़रिए से मत देखिए। वो मेरी जगह थी, मेरे लोग थे, तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया कि यहाँ का कल्चर क्या है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। सो 1 2 3 स्टार्ट। देव ये क्या किया है बेटा तुमने? ये गलत बात है ना, ऐसे कंबल पे कौन बैठता है इसके ऊपर से? देव मान जाओ मान जाओ। नोरियो कैसी हो? अरे मुझे इससे बाल तो निकाल लो। शॉली बेबी तुम बहुत शैतान हो चुकी हो, प्लीज निकालो प्लीज निकालो प्लीज। अच्छा आ जाओ, चलो बाहर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागो 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 भागो, निकलो। वेरी गुड वेरी गुड, जाओ खेलो जाके जाओ। तो गाइज मेरे स्प्रिंग ऑनियंस देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर गए हैं ना। हमने यहाँ पे इसको ऐसे बॉटल में लगा, इसकी रूट्स देखिए कितनी बड़ी हो गई है इसके अंदर। तो एक हेल्दी और अच्छा सा जो है ये पौधा तैयार हो गया है। आजकल पता नहीं क्या हो गया, मेरे दिमाग में हर समय प्लांट्स के बारे में ही घूमता रहता है कि कौन सा प्लांट्स लगाएं, कौन सा फ्लावर लगाएं या कौन सा जो है वेजिटेबल लगाएं। मतलब ये भी एक दिमाग में है, हर समय घूमता रहता है कि क्या करना है, क्या करें क्या करें क्या करें, बस और सिर्फ प्लांट्स के बारे में। कहते हैं ना एक टाइम होता है जब एक ही चीज़ दिमाग में घूमती रहती है। सो गाइस हमारी आज की ब्रेकफास्ट की थाली में है ये पराठे, मटर आलू की सब्जी और एक स्पेशल चीज़ ये है ये गुड़। आज से हमने खाने में गुड़ भी लेना शुरू किया, सब गुड़ डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और सर्दियों में तो खाने में बहुत टेस्टी लगता ही है। ओरियो मैडम इस समय जो है किसी खुरापाती मूड में बैठी है, इनकी आंखें इनका जो बैठने का तरीका है वो बता रहा है कि खुरापाती मूड में। और नारी शक्ति जब इतने ऐसे दिमाग से बैठी ना, समझ लो कुछ खुरापात करने। आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार था। देव की मौसी आ चुकी है, वेलकम। अरे तो मैंने तुम्हारे दांतों के बीच से हवा निकल पास हो रही है, मुंह पे कितनी गंदगी लगी है। मैगी खा रहे हो? लवी मौसी आई, अब बस दोनों मौसी बेटे की जो है मैगी पार्टी चालू हो गई है। दोनों मौसी और बेटा मिलके मैगी पार्टी करने लगे अभी से। तुम लोगों का अच्छा है, देखा गाइस ये आई और इन दोनों की बस मैगी पार्टी चालू हो गई। लवी का आना होता है और मैगी पार्टी स्टार्ट। तो लवी कैसा रहा तुम्हारा मायके की यात्रा? बहुत अट्रैक्टिव। मायका पसंद आया तुम्हें अपना? लोग पूछते ससुराल के बारे में, हम तुमसे पूछे मायके के बारे में। हाँ अगर प्रॉपर नूडल्स कैसे खाए जाते तो कोई लवी सीखे, ऐसे चम्मच ऊपर खींच ले जाती है। ये देखिए ये
गाइस, सो फिलहाल हम आ चुके हैं अभी हमारे किचन में और आज हम बनाने वाले हैं, आप लोगों ने चिपड़े वाले जो नमकीन खाई है जैसे जो पैकेट्स में आती है हल्दीराम वाले में, वैसे ही नमकीन हम बनाएंगे घर पर। तो चलिए हम आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं कि हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो गाइस हमने लिया है उसके लिए ये पहले तो मुरमुरा, उसके बाद काजू बादाम और मूंगफली के दाने, ये मखाने हैं, उसके बाद ये चने लिए हैं, ये पोहा है, नमक है ये, उसके बाद ये करी पत्ता लीव्स है, नींबू है, हींग है। तो इन्हीं के साथ में हम बनाएंगे हमारी आज नमकीन। तो चलिए नमकीन बनाते हैं। सो गाइस एक कढ़ाई में हम रिफाइंड गरम करेंगे, उसमें हम काजू और बादाम को अच्छे से रोस्ट करेंगे धीमी आंच में, इसको धीमी धीमी आंच में महरून होने तक भूनेंगे। जब ये भुन जाए तो इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे हमारे मूंगफली के दाने और मखाने, इन दोनों को एक साथ भून लेंगे। उसके बाद जब ये भी हल्के महरून हो जाएंगे तो इन्हें भी निकाल लेंगे। इन्हें निकालने के बाद फिर जो हमारा रिफाइंड बचा है इसमें हम डाल देंगे पोहा और इसको भी धीमी धीमी आँच में भूनेंगे। तो गाइस ये देखिए अब ये भी हो गया है, इसे भी हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। सो गाइस एक कढ़ाई में हम लेंगे रिफाइंड दोबारा साफ और उसमें डालेंगे हींग करी पत्ता और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। फिर हम जो हमारा मुरमुरा है उसको अच्छे से भून लेंगे उसमें डाल, और तब तक इनको भूनना जब तक सब एक साथ एक जैसा मिक्स नहीं हो जाता। और जब हमारा मुरमुरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, देखने में कुछ अच्छा लगने लगेगा मेहरून का रंग का, तो हम क्या करेंगे इसके बाद इसमें डालेंगे चने, चनों को खूब अच्छे से भूनना है। उसके बाद जो हमारे सारे ड्राई फ्रूट थे, पोहा था, मूंगफली के दाने थे, मखाने थे, वो सब डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से खूब मिलाएंगे ऊपर से नीचे तक। और जब ये एक सारा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे स्वादानुसार नमक, नमक को मिलाने के ऊपर से उसके बाद हम डाल देंगे नींबू, नींबू को हम कट कर लेंगे और अपनी हथेली के ऊपर से निचोड़ेंगे ताकि जो बीजे हैं वो हमारे हाथ में ही रह जाए, लैया में ना मिक्स हो। उसके बाद जब ये निचोड़ लेंगे नींबू, उसके बाद हम इनको अच्छे से चलाएंगे और नमक और नींबू को एक साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब हमारी लैया की नमकीन तैयार है। काजू ढूंढने लगी बीन बीन की, इतनी चालाक लड़की है ना, सब काजू ढूंढ के खा जाएगी ये लिए बस। तो देखिए दोस्तों ऐसे कोई भी चीज बनती है 2 सेकंड लगते हैं उसको खत्म होने में। जब घर में सब लोग आ जाते हैं तो लवी आ गई तो कुछ रौनक हो गई है, वरना अकेले तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। देव मौसी आ गई तो कैसा लग रहा है। सो गाइस इसी के साथ अपना आज का ये ब्लॉग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और, कमेंट ज़रूर करिए और हर कमेंट का हम रोज़ ऐसे ही जो है आपको रिप्लाई करते रहेंगे और हमारा ये 30 डेज का चैलेंज हम कंप्लीट करके रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, बाय।